अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है चने का पुलाव। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चले अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। एक पाव छोले हैं हमारे, ये हमने उबाल लिए हैं छोलों को। प्याज है हमारी, दो बड़े साइज के हमने प्याज लिए हैं और इसको हमने इस तरह काट लिया प्याज को। अदरक लहसुन और हरी मिर्च ये हमने पीस लिया है। पांच जवे लहसुन आधा इंच का हमने टुकड़ा अदरक का ले लिया और तीन हरी मिर्चें ये हमने पीस लिया है। ये हमारे पुलाव का मसाला है, ये दो चमचे हैं, ये आपको किसी भी करियाना स्टोर से मिल जाएगा। और ये हमने एक तेज पत्ता ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन चमचे हम पतीले में ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको आधी प्याज को हम निकाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें हम। अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट हम भून लेंगे। तेज पत्ता डाल देंगे इसमें। अब ये मसाला डाल देंगे पुलाव का और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अब हम इसमें छोले डाल देंगे, इसको हम 5 मिनट तक भून लेंगे। आधा किलो हमारे चावल है, ये वनस्पति चावल है। 20 मिनट के लिए इसको हमने पानी में भिगो दिया है। छोलों के सालन में अब हम चावल डाल देंगे। एक गिलास इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है। नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से चला लेंगे। एक गिलास पानी डाल दिया हमने, पानी में पक्कन आ जाएगी, इसका पानी खुशक हो जाएगा। और हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट में हमारा पानी खुशक हो चुका है, अब हम इसको दम पे रख देंगे। और ऊपर से हम प्याज लगा देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे और दम, ये हमने तवे पे लगा दिए। चावल हमारे दम पे आ चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चने का पुलाव मेरे रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें आप कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।